जी नमस्कार, लखनऊनामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं, उससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय उससे फ्लेट कॉलेज की सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दिन में हमने बताया था कि हॉस्टल के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल जो नोटिस है या PDF है जिनको अलॉट हुआ है BA BSc में उनकी आएगी ज़रूर। और जी हाँ, आप लखनऊ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर और हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दे रहे हैं PDF जिनको लखनऊ विश्वविद्यालय का हॉस्टल अलॉट हुआ है। साथ में एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि किसको किसको क्या करना है। जिनको हॉस्टल नहीं अलॉट हुआ है उनको सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी ये सवाल ज़रूर है, उसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। पहले तो ये लिस्ट है जो इसमें BA और BSc के जिन लोगों को हॉस्टल अलॉट हो गया है उनकी ये पूरी लिस्ट है। इसमें 9 पेज की लिस्ट है, ये पूरा आप डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिनको जिनको अलॉट हुआ है उनका नाम इसमें दिया हुआ है। अब इनका प्रोसेस क्या होगा, इनको ऑनलाइन फ़ी सबमिट करना होगा। ऑनलाइन फ़ी सबमिट आपको ऑनलाइन ही होगा, HMS पोर्टल से ही, ठीक है, वो आप सभी को पहले से पता है। और जो मेस की फ़ीस होती है वो यूनिवर्सिटी आकर जब आप ये स्लिप दिखाएंगे हॉस्टल में उसके बाद आपको पूरा आगे का प्रोसेस बताया जाएगा और आपको स्लिप दिया जाएगा, उससे आपको पेमेंट करना होगा मेस का, उसके बाद आपको रूम अलॉट हो जाएगा। तो ये हैं जिनको लखनऊ विश्वविद्यालय का हॉस्टल अलॉट हो गया फर्स्ट में। सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी तो मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जानने में भी, जूनियर्स का मैसेज आ रहा है कि भैया मेरा DU में हो गया, मेरा BHU में हो गया है और मैं नहीं लूँगा हॉस्टल और मुझे एडमिशन भी कैंसिल कराना है, तो ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीट छोड़ेंगे तो उनकी जगह दूसरे स्टूडेंट को सीट दी जाएगी आगे रैंक वालों को, तो आप लोग वेट करें, अगर सीट खाली होगी तो हॉस्टल की सेकेंड लिस्ट भी आएगी। आगे की जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।